क्वेश्चन टू। देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बिग बाजार वगैरह है ना, तो उसमें क्या होता है कई डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके। बिग बाजार एक अकेला है, फिर उसमें समझो कपड़ा सेक्शन है, क्लोथ सेक्शन, फिर उसके बाद मोबाइल सेक्शन है, ठीक है, ग्रोसरी सेक्शन है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सबकी कमाई क्या होगी, किसको मिलने वाली, बिग बाजार के मालिक को मिलने वाली। तो सबकी कमाई अगर बिग बाजार के मालिक को मिलने वाली है तो ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा। जब हम क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाएंगे, तब डिपार्टमेंट ए का हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, डिपार्टमेंट बी का अलग से बनाया, ठीक है। तो होगा क्या कि डिपार्टमेंट ए क्या परफॉर्म कर रहा है, डिपार्टमेंट बी क्या परफॉर्म कर रहा है, वो अपने को क्या करेगा पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि समझो अच्छी कमाई हुई, सबको आपने क्या किया, सबकी सैलरी बढ़ा दी, जितने भी अपने क्या रहते हैं एम्प्लॉयज रहते हैं सबकी आपने सैलरी बढ़ा दी, लेकिन बाद में आपने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि बी डिपार्टमेंट बी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसके एम्प्लॉयज बहुत मेहनत करते हैं और उसके वजह से कंपनी का ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। तो डिपार्टमेंट ए के जो वर्कर्स हैं उनका भी अगर सैलरी बढ़ेगा, इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया फिर भी इनका सैलरी बढ़ गया, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट किया, हमने सीधा क्या किया टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो होगा क्या कि डिपार्टमेंट ए का क्या परफॉर्मेंस है अपने को पता नहीं चलता है, तो हमने सबकी सैलरी बढ़ा दी डिपार्टमेंट ए के वर्कर्स की और डिपार्टमेंट बी के वर्कर्स की। तो बी के वर्कर्स क्या फिर बाद में सोचेंगे कि यार हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और सैलरी हमारी तो बढ़ती है, ठीक है, लेकिन इन लोग की भी बढ़ती है, तो फिर ये लोग बाद में क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ए वाले ज़्यादा मेहनत करेंगे क्या, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना पड़ता है ताकि हम समझ सकें कि कौन सा डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो आपको कुछ एक्सपेंसेस दिए होंगे, कुछ क्या दिया होगा डिपार्टमेंट वाइज दिया होगा और कुछ क्या दिया होगा कंबाइन दिया होगा, तो कंबाइन को आपको क्या करना होगा डिपार्टमेंट वाइज बाइफरकेट करना होगा। देखो अभी क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द डिपार्टमेंट ए एंड बी। पहले क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में, है ना, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। परचेजेस, ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। सेल्स, ट्रेडिंग में। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग। फाइनल अकाउंट किया ना आपने, बस वही है। फिर उसके बाद क्या, सैलरीज, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके चलो ये काम करता हूँ, मैं लाइन खींच देता हूँ। तो लाइन के ऊपर क्या है, लाइन के ऊपर क्या है, ट्रेडिंग, और लाइन के नीचे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपको दिया सैलरी हो गया, बाद में क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स। देखो एडवर्टीजमेंट है ना, उसको कौन से रेशियो में डालने का अपने को, वो बताता हूँ कैसे करना है। फिलहाल हम क्या करते हैं, पहले पोस्टिंग कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए का कितना है 60, और डिपार्टमेंट बी का कैसा है, टोटल कितना होगा 1,50,000, ठीक है। ये जो बाइफरकेशन हमने किया है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ये हमने खुद से किया है, दिया हुआ था ऑलरेडी, दिया हुआ था, तो क्या लिखेंगे, गिवन। फिर उसके बाद क्या है, टू परचेजेस, 3,60,000 और 5,40,000, टोटल कितना हो गया, 5,00,000, 9,00,000। सेल्स, ₹6,08,00,000, कितना हो गया 14,00,000। ये भी क्या है, ये होगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक, ₹20,000 और 80,000, कितना होगा 1,00,000, ये भी क्या है। फिर सैलरीज, सैलरीज कहाँ आएगा, प्रॉफिट है लॉस, 25,000,
और ठीक है थर्टी फाइव, तो ये हो गया 55,000 बराबर। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ देखो, एडवर्टीजमेंट देखो टू ठीक है 28,000 आपको दिया टोटल। अब इसको आप कैसे बांटोगे, डिपार्टमेंट ए में कितना आएगा, डिपार्टमेंट बी में कितना आएगा, कैसे करोगे? तो आपको हिंट दिया रहेगा पहले से ही, देखो नीचे दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस शुड बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशियो बांटना आप देखो, सेल्स के रेशियो में। सेल्स कितना दिया देखो, 6 लाख और 8 लाख है ना, तो देखो सेल्स का रेशियो निकालो, एस आर मतलब सेल्स रेशियो कितना है, 6 लाख और 8 लाख, तो रेशियो क्या हुआ 6:8। इसको और स्मॉल कर सकते हम लोग, और 2 3 2 3 और 2 4, तो रेशियो क्या है 3:4। आप क्या करोगे कैंसिल हो 28,000 है, 28,000 को डिवाइड कैसे करोगे, 3+4 का टोटल कितना होगा 7, तो डिवाइड कर देगा 7 से और मल्टीप्लाई करोगे पहला 3 से, कितना आ रहा है 12,000 ठीक है। फिर अगेन क्या करोगे, 28,000 टाइप किया आपने, डिवाइड किया इसके टोटल से, कितना हो रहा है 7 मल्टीप्लाई का 4 16,000 है ना, तो ये हमने कौन से रेशियो में किया 3:4, समझ रहे हैं? या फिर यहाँ पे लिख सकते हो सेल्स रेशियो, समझा पक्का? ओके नेक्स्ट अभी क्या है, रेंट 20,000, टू रेंट 20,000 है, तो आउटर कॉल में लिखो 20,000। फिर रेंट के लिए क्या बोला, रेंट इक्वली, रेंट को कैसे बांटना है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट बी में इक्वली, तो 20,000 का इक्वल कितना आएगा 10,000 और 10,000 इक्वली कैसे लिखाएंगे 1:1। फिर उसके बाद क्या, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस कितना है 60,000। इसके बारे में क्या लिखा है देखो एडजस्टमेंट में, एंड जनरल एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, ये जो 60 है इसको कौन से रेशियो बांटना है 2:3, 2:3 का टोटल कितना होता है 5 है ना, तो 60 को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करो 12,000 आता है ना, तो 12,000 इंटू 2 करके तो कितना आएगा, और 12,000 इंटू 3 करके तो कितना आएगा, और भी एक्सपेंस बचाया गया नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, टोटलिंग करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, ये कितना आ रहा है 6,20,000, ये 8,80,000 और ये हो गया टोटल 15,000 है ना, यहाँ पे लिखो 6,20,000, 8,80,000 और 15,000, 9 और 1 10 सारे 4,50,000 लिखो, ये 90+5,40,000 माइनस कर देंगे 8,50,000 2,50,000 यहाँ पे आ रहा और 6,20 हमने यहाँ पे लिखा है, ये माइनस करेंगे कितना 4,20 हो गया, डिफरेंस कितने का 2,00,000, तो 2,00,000 और 2,50,000 दोनों डिपार्टमेंट का बिल चेंज कितना आएगा 4,50,000 है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, फिर कैरी डाउन यहाँ पे क्या होगा ड्रॉ डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ड्रॉ डाउन, डिपार्टमेंट ए का कितना है ग्रॉस प्रॉफिट
टू लैख, डिपार्टमेंट बी का कितना है 2,50,000 और टोटल कितना है, ठीक है। इधर का टोटल कम रहेगा तो पहले इधर का टोटल कितना हो रहा है 2,00,000, यहाँ पर भी कितना लिखोगे 2,00,000, 25,000, 12,000, 10,000, 20,000, 71,000 और उसमें से 2,00,000 माइनस करो, 1,29,000 बराबर है। फिर यहाँ पे 2,50,000, इधर भी 2,50,000 और की वैल्यूज प्लस करो 46,000, 92,000 माइनस 2,50,000, 1,58,000, ठीक है। तो इधर का टोटल कितना है 4,50,000, यहाँ पर भी कितना लिखेंगे 4,50,000, ऊपर की वैल्यूज प्लस करो 55,000, 38,000, 80,000, 1,60,000 - 4,50,000, 2,87,000, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पर इन दोनों का टोटल कितना है 1,58,000 प्लस क्या 1,20,000, 1,29,000, 2,87,000, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। ये क्या है 2,00,000 ठीक है, समझ गए। तो इसके सामने क्या लिखोगे टोटल। अच्छा, चलो डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का अगर हम कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे तो कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो नेट प्रॉफिट हमको क्या मिलता 2,87,000। तो इससे हमको ये नहीं पता चलता कि 2,87,000 किस में से ए और बी में से किसका ऐसा परफॉर्म है, आपको तो मालूम पड़ रहा है। डिपार्टमेंट ए से हमको कम प्रॉफिट हुआ, डिपार्टमेंट बी से हमको क्या हुआ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब डिपार्टमेंट बी जो है क्या है ज़्यादा एफिशिएंट है ना, ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि हमने डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी के बीच में फर्क फॉर्म किया, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की वजह से, ठीक है। चलो ये